नमस्ते। आज हमारी राज्यपाल सीरीज की क्लास फोर्थ है, ठीक है। और आज हम क्लास फोर की ओर पढ़ेंगे। सोच रही हूँ कि पहली तीन क्लासेस जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और एक बात और जो मुझे आपको कहनी थी कि जो क्लास फिफ्थ होगी वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये टेस्ट में ये मत सोचना कि जो पहली तीन क्लासों में क्वेश्चन दिए हैं, जो समझाए गए हैं, वही क्वेश्चन पुट ऑन कर दिए। नहीं, इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जो ऐप में अपलोड होगा, कहाँ अपलोड होगा? ऐप में, जिसने ऐप में खरीदा है राज्यपाल, वहाँ अपलोड होगा ये। और उस टेस्ट के अंदर ऑल ओवर PCS, ऑल ओवर जितनी भी PSC है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, पूरे PCS में जितने भी एग्जामिनरों ने राज्यपाल पूछा है, जिस भी माइंडसेट के साथ, उस पूरे माइंडसेट को कंबाइन करके बेसिक राज्यपाल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या यूट्यूब पे नहीं होगा? होगा, लाइव होगा वो। और जैसे ही वो टेस्ट आप लाइव करेंगे, जैसे ही आपने टेस्ट दिया, वो क्लास वहाँ से हट जाएगी। तो देखो, कुछ पहले भी कहा था, कुछ शर्तें लागू रहेगी। बार बार ये कहते हैं कि आप हटा दोगे या नहीं हटाओगे, तो देखो, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। आपको वॉरियर मोड में रहना पड़ेगा। कैसे मोड में रहना पड़ेगा? वॉरियर मोड में। देखो, अब तक आपने ढिलाई की है, पर अब आपको ढिलाई नहीं करनी है। कब तक आप फेलियर का दर्द सहेंगे, ये बताइए मुझे। और अगर फेलियर का दर्द सहते ही रहना है, तो फिर छोड़ दो सब चीज़ें। और थोड़ा तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, आपके लिए रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, जो लोहा है वो आग में तपकर ही क्या बनता है, स्ट्रांग बनता है। जब तक आप ये समझेंगे ही नहीं कि इतने साल से आप फेलियर हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप थोड़े आलसी हो, थोड़े डिसकंटिन्यू हो। ये थोड़ी थोड़ी जो डिसेबिलिटी आपके अंदर है, वही तो क्या है, असलियत में रोड़ा है। तो जैसे पहली क्लास में 1.1 के लाइव थे, दूसरी में 850 तकरीबन लाइव थे। तो ये धीरे धीरे जो 250 कम हो रहा है, वो यही सोच रहे हैं कि क्लास लाइव चलेगी, फिर क्लास बाद में भी रहेगी। नहीं, हम कुछ कुछ क्लासेस क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो बी सीरियस। जो भी काम है छोड़ो, अगर 3 से 4 में ऑफलाइन होती तो भी पढ़ते ना, तो वही बात है। और मैं प्रेम से पढ़ाऊंगी आपको, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी सॉल्व कराऊंगी मैं आपको। जो ऑब्जेक्टिव उस टेस्ट सीरीज में होगा वो मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन अगर आप चूके तो वो क्लास क्या हो जाए, वो क्लास हटेगी, पहले ही बता दे रही हूँ। तो आपको लाइव देखनी पड़ेगी, लाइव वो टेस्ट आपको देखने को देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, मुस्कुराहट के साथ ये टेस्ट शुरू करते हैं। और आज मैं बड़ा फॉन्ट करके लिख दूंगी, ठीक है। और आज मेरा सांस बहुत फूल रहा है, ठीक है। तो अब चलो शुरुआत करते हैं। बहुत हो गई बातें कर ली खूब सारी। हाँ, पहला पेज ब्लैंक दिख रहा होगा। पहला पेज इसलिए ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि एक बात जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। हिंदी में लिख देती हूँ, अरे भूल जाती हूँ। चलो, रिविजन सफलता का की है, सफलता का कुंजी है, की है ना, तो कुंजी है। इसलिए ये आपको पहला पेज जो है वो क्या लग रहा है, आपको खाली दिख रहा है। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे आज अपन? गेम। जैसे बचपन में खेले हो ना आप गेम, आज वैसे ही अपन गेम खेलेंगे। कौन सा गेम खेलेंगे अपन? पजल। पजल मैंने पहेली, मतलब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ कुछ जगहों को ब्लैंक छोड़ दूंगी, आपको पकड़ना है कि उस जगह पे क्या होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको रिवीजन करना है। इधर से मैं लिख रही हूँ, उधर से आप अपनी लाइव चैट में क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ताकि आपको याद रहे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है आपको? तो पहले आज अपन क्या कर रहे हैं, रिविजन शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? रिविजन। तो देखो, पहला आपके सामने जो पजल है वो ये है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या करते जाएं, आप टाइप करते जाएं, मैं इधर लिखती रहूंगी पजल्स आपकी, और आप उस पजल को क्या करते रहेंगे, फिल करते रहेंगे। आपको आराम से मैं टाइम दे रही हूँ, जब मैं भी बोल रही हूँ, तो आप उधर क्या करें, टाइप करें, ठीक है। फिर देखो, ये भी टाइप करो,
एक राज्यपाल, ये भी पजल टाइप करो आप। आज तो फॉन्ट साइज सही है या आज फॉन्ट साइज में कुछ गड़बड़ है? फिर अगली फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, अब आंसर बताऊं आपको इसके। कल सर ने बताया था कि ये ना फॉन्ट साइज बड़ा रखना है, तो आज थोड़ा फॉन्ट साइज क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। और अगर पिछले में अगर थोड़ा फॉन्ट मेरी क्या है हैंडराइटिंग छोटी है तो मैं भूल गई थी, तो माफ़ी कर देना। ठीक है कि मेरे से वो छोटा लिख गया, तो थोड़ा जूम कर लेना, उसके लिए माफ़ी दे देना। अब के लिए मैं आपके लिए क्या लिख दूंगी, बड़ा कर दूंगी। तो देखो इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा, 153। यहाँ पे क्या आएगा, सातवा। और यहाँ क्या आएगा, 1956। पद हेतु शपथ राज्यपाल के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 159 में लिखी हुई है। आकस्मिकता, आकस्मिक राज्यपाल के गायब होने पर कौन सा आर्टिकल आएगा, 160 आएगा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, आगे अगला रिवीजन करते हैं। अगला पेज भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, अगले पेज को देखें। ये टाइप करें आप, साफ दिख रहा है ना एकदम, और बिना कोई बकवास करे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। इसको आपको टाइप करना है, आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी कि हम कहाँ बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, इसमें भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे फिर ये वाला भी टाइप करना है। ये आपका टेस्ट हो गया रिटन में, है ना। अगर मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाती तब भी मैं और रिटर्न टेस्ट लेती फिलिंग द ब्लैंक्स लेके, भले ही मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, चाहे मैं ऐप में सब कुछ मटेरियल दूँ, जहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ वहाँ पे काम सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे 202, फिर आप मुझे बताएंगे 200, ये मुझे आर्टिकल बताएंगे आप। ठीक है, ये सारे, अब इनके सबके आंसर बता दूं आपको। इन सबके आंसर में जो पहला लिखा हुआ है ना 163(1), यहाँ पे आएगा कुछ काम राज्यपाल स्वविवेक से करेंगे, बाकी कार्य में सहायता के लिए उसके पास क्या होगी, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होंगे, है ना। अब 163(2) क्या कहता है कि, अरे रुको, पहले मंत्री परिषद आएगा फिर मुख्यमंत्री आएगा, ये ध्यान रखना। पहले क्या आएगा, मंत्री परिषद, फिर क्या लिखा हुआ होगा, सीक्वेंस का ध्यान रखना है ना, मुख्यमंत्री, फिर 163(2) स्वविवेक। तो स्वविवेक खुद निर्णय लेगा और कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, क्लियर। फिर देखो 161 कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, क्षमा की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, या कैसी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, किसकी, राज्यपाल की। फिर अनुदान की मांग कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, फिर देखो 202 सीधा याद रखना है, कौन सा विवरण है, ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, जिसको बजट कहते हैं। लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रखा, आपके उसमें नहीं हो रखा। फिर राष्ट्रपति हेतु बिल आरक्षित कौन सा अनुच्छेद है, 200 है। कुछ बच्चे कह रहे थे 201 है, 201 में वो अनुमति देता है आरक्षित बिलों पर, 200 तो सिर्फ क्या है, बिल पर अनुमति है, और उसमें भी राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या रखा जा रहा है, आरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है, तो जिसको भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है वो अपना कन्फ्यूजन क्या करें, क्लियर करें।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर से आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड ब्लैंक। अभी फिर से आपको गेम खेलना होगा, फिर से आपको बताना होगा। अगला चीज देखें, अगले स्टेटमेंट में हाथ के हाथ नहीं रुकने चाहिए और कभी भी नहीं रुकने चाहिए। जब जब मैं कहूँ तब तक नहीं रुकने चाहिए। सॉरी, मिटा देती हूँ। और मैं आज फुल ऑन बड़ा लिख रही हूँ, ठीक है। इसका आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, फिर आपको भरना है एक मिनट रुको, ठीक है। इसका भी आपको आंसर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अनुच्छेद भी लिखना होगा, ठीक है, कि वो कौन सा अनुच्छेद है। तो वहाँ पे अनुच्छेद भी आपको क्या करना है, लिखना है। फिर आपको ये याद रखना है, ये वाला आंसर दीजिए। देखो बोर्ड पर साफ दिख रहा है ना। एक मिनट, मैं बोर्ड से हट जा रही हूं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, और इसलिए आपको सिर्फ उत्तर देने पे ध्यान देना है। और इसके पीछे भी आपको क्या लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको ये भी अनुच्छेद लिखना है, ठीक। फिर आपको ये भी लिखना है, कौन सा इतना रैंडम, और कौन कौन से क्वेश्चन दूँ आपको। इतना पढ़े, इतना पढ़ाया ना कि कई बार ऐसा खोजना मुश्किल हो जाता है। चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा। हाँ, ये टिप्स पे होनी चाहिए आपके सब चीज़ें। जैसे छोटे थे तब आपको पहाड़े याद रहते थे ना, भला उस प्राइमरी टीचर का। इसलिए मुझे थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड बहुत अच्छे लगते हैं। डैश, वो वहाँ पे आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। अब आपको आंसर बताया जाए तो पहला देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आएगा। तो जिसने यहाँ आंसर में हस्ताक्षर लिखा है उसका सही है, हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र से। तो जिसने ये किया है उसका सही है। फिर देखो, राज्य उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा, राज्यपाल से सलाह लेगा। ये कौन सा आर्टिकल है आपका, तो 217 सबसेक्शन फर्स्ट। तो जिसने ये आंसर दिया है उसका क्या होगा, करेक्ट। न्यायिक सेवा में गैर न्यायिक व्यक्ति की नियुक्ति में राज्यपाल सलाह लेगा। किससे लेगा, राज्य के हाईकोर्ट से, और किससे लेगा, आरपीएससी से। और ये कौन सा अनुच्छेद है आपका, 234, क्लियर। फिर देखो, लाभ का पद नहीं, तो लाभ का पद नहीं तो कौन सा आर्टिकल है ये, 158 सबसेक्शन 2। तो जिसने 158 सबसेक्शन 2 लिखा उसका सही है। फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कब तक रहता है, 156 में, और उसका भी पहला पॉइंट है ये, है ना। तुम्हें जो राष्ट्रपति कहता है, मुझे जो पसंद हो वही बात करोगे। फिर राज्यपाल पद ग्रहण से सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि तक पद पर है, ये कौन सा आर्टिकल है, 156 सबसेक्शन 3। तो देखो, जो जो मैं कहती हूँ उस पर गौर फरमाइए, समय पे क्लास लीजिए, वॉरियर मोड में रहिए। ऐसे समझिए कि कल आपका एग्जाम हो तो कल भी आप क्या हो, तैयार हो। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की क्लास आएगी, मंत्रिपरिषद की क्लास आएगी, और सबके ऑब्जेक्टिव आएंगे। और जो भी क्लासेस होगी वो एक टाइम बाद यूट्यूब से
रिमूव हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप टाइमली लाइव रहकर नोट्स भी बना लें। मेरी जो गलती है, अगर मैं छोटा लिख रही हूँ तो मैं उसको सुधार दूंगी आप लोगों के लिए। आपको बस इस बार कमर कस के तैयारी करनी है, और वो फेलियर का जो भार आप पे एक स्टैम्प लग रखा है वो आपको छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, श्री कृष्ण अर्जुन से हमेशा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में युद्ध की तैयारी नहीं होती। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा और बाहर नहीं निकल पाया और अंततः यमराज के हाथों चला गया। तो याद रखना श्री कृष्ण की सीख, कि वो यही कहते हैं कि युद्ध के मैदान की तैयारी युद्ध के मैदान से पहले होती है, और इसीलिए आप पर इतने रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए हैं, वरना फिर क्या नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो रिवीजन हुआ अच्छे से, आगे चलें। हाँ, अब आज राज्यपाल के हम क्या पढ़ेंगे, विशेष अधिकार पढ़ेंगे। देखो, राज्यपाल है ना, उसको बहुत बहुत नखरे हैं, उसके बहुत नखरे चखरे हैं। राज्यपाल क्या कहता है कि आई एम स्पेशल। क्या कह रहा है राज्यपाल? राज्यपाल कह रहा है मैं स्पेशल हूँ। ठीक है, देखो ऐसे मुंह बना रहा है, और मुंह बना के क्या कह रहा है आपका राज्यपाल? यही कह रहा है कि देखो मैं क्या हूँ, स्पेशल आदमी हूँ। क्या हूँ मैं? स्पेशल आदमी। चूंकि मैं स्पेशल आदमी हूँ, इसलिए मेरे पास क्या है, बहुत सारी स्पेशल पावर्स है। इसको ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, बहुत सारी स्पेशल पावर है। बहुत सारी स्पेशल क्या है, पावर है। अब एक जो एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, वो याद ये रखना है कि पावर पावर हैज सो मैनी फेसेस। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि सत्ता के बहुत सारे चेहरे, सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं। ठीक है, अब जब सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं ना, तो सत्ता कहती है कि देखो जब मेरे बहुत सारे चेहरे हैं ना, एक चेहरा जो है वो मेरा बहुत स्पेशल है। एक चेहरा क्या है मेरा, बहुत स्पेशल है। और वो जो स्पेशल चेहरा है ना, वो चेहरा मैं किसको दिखाता हूँ? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखाता हूँ जो या तो कौन से पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति पद पर, या कौन से पद पर बैठे हैं, राज्यपाल के पद पर, या वो क्या है, किसी भी राज्य के प्रमुख हैं, या क्या है, वो राज्य के प्रमुख हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है कि सत्ता बोलती है पावर है सो मैनी फेसेस, कि सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं। कुछ कुछ सामान्य हैं, कुछ असामान्य हैं, और कुछ विशेष है। तीन तरीके के होते हैं बेसिकली। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो जब थिंकर्स को पढ़ते हैं, विचारक को पढ़ते हैं, तो विचारक कहते हैं कि देखो सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ जगह वो सामान्य हैं, कुछ जगह वो असामान्य हैं, कुछ जगह पर वो विशेष है। जहाँ पर वो विशेष हो जाती है, वहाँ आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी सत्ता स्पेशल हो गई है, एक सिंपल केसर कुल्फी होती है और एक स्पेशल केसर कुल्फी होती है। तो वो जो स्पेशल केसर कुल्फी है ना, वो किसने खानी है? आपके राष्ट्रपति को खानी है और राज्यपाल को खानी है। ठीक है, या किसी राज प्रमुख को खानी है। लेकिन पैसे कितने खर्चने पड़ेंगे? 361। कितने खरीदने पड़ेंगे? 361। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पावर हैज़ मैनी फेसेस, सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं, और जब सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं, तो जो उसका स्पेशल चेहरा है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 361 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? 361 में लिखा हुआ है। और जब 361 में उसका ये चेहरा लिखा हुआ है, तो वो स्पेशल चेहरा किन किन लोगों का है? वो स्पेशल चेहरा राष्ट्रपति का है, वो स्पेशल चेहरा राज्यपाल का है, और वो स्पेशल चेहरा राजप्रमुख का है। और उस स्पेशल चेहरे को क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन दिया गया। अब बताओ, आलिया भट्ट कोई सामान्य चेहरा है क्या? या ऐश्वर्या राय कोई सामान्य चेहरा है क्या? वो सारे चेहरे क्या हैं? स्पेशल है। जितनी भी एक्ट्रेस हैं, उन सबके चेहरे क्या हैं? बहुत स्पेशल है। और चूँकि उनके चेहरे बहुत स्पेशल है, तो देखा करो उन चेहरों को कितने ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है। तो वैसे ही सत्ता में जो विशेष चेहरे हैं, जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, उनको किसकी आवश्यकता है? संरक्षण की आवश्यकता है। और ये संरक्षण की आवश्यकता कहाँ लिखी हुई है? आपके 361 में लिखी हुई है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, अब अपनी कीवर्ड पॉलिसी अपनाने का वक्त आ गया है। अब अपन लिखेंगे 361 इज इक्वल टू विशेष। क्या लिखेंगे? विशेष अधिकार। क्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी में? 361 इज इक्वल टू विशेष अधिकार। सॉरी, हिंदी गड़बड़ कर दी। ओह, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हिंदी का बड़ा प्रेमी बैठा होगा ना, वो कहेगा कि वाह मैडम, आप हिंदी के साथ इतना अन्याय कर दे रही हैं। हाँ, अब सही है ना, विशेष अधिकार। सॉरी, हाँ
361 क्या लिखा हुआ है? विशेष अधिकार लिखा हुआ है। अब ये विशेष अधिकार कितने लोगों को है? तो ये विशेषाधिकार 3 लोगों को दिए गए हैं। एक आपके राष्ट्रपति भैया को, एक आपके दी राज्यपाल को और एक आपके राज प्रमुखों को। इन तीनों को ये विशेष अधिकार क्या है? प्राप्त है। तो 361 समझ में आया कि 361 क्या है? 361 में आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि पावर है सो मैनी फेसेस, या हिंदी में याद कर लेना कि सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं। सत्ता देखो कब शुरू किए थे अपन, राज्यपाल से स्टेटमेंट याद करना शुरू करे थे, अब तक स्टेटमेंट से ही चल रहा है। जब सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं ना, बेसिकली 3 होते हैं, एक सामान्य, एक असामान्य और एक विशेष। तो वो जो विशेष चेहरा है, जिस पर राष्ट्रपति है, जिस पर राज्यपाल है या कोई राज प्रमुख है, उनको क्या प्राप्त है? विशेष अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक समझ में आया? एग्जामिनर पूछेगा तो कौन सा आर्टिकल याद करना है? 361 याद करना है। अब रुको यहीं पर, आप मुझे आर्टिकल 2023 का बताएंगे, ठीक है? आप देखो, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, मैं चलती क्लास में कुछ भी आपको पूछ सकती हूँ। ऐसे अंगुलियों पे याद करना है, रोज़ रिवाइज करना है, ताकि भूलने नामक बीमारी का क्या हो जाए? अंत हो जाए और नोबेल प्राइज़ मिलेगा फिर मुझे, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। 361 समझ में आया? आपने कीवर्ड पॉलिसी के तहत क्या करना होगा? आपको 361 लिखना होगा। 361 के सामने आपको लिखना होगा विशेष अधिकार। क्या लिखना होगा? विशेष अधिकार। क्या लिखना होगा? विशेष अधिकार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं। क्या है? सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं। इसी स्टेटमेंट को याद करोगे तभी आपको ये चीज़ क्या होगी? याद आएगी। जब सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं ना, व्हेन पावर है सो मैनी फेसेस, तभी आपको याद आएगा कि एक चेहरा जो है वो बहुत स्पेशल है। बना लो सत्ता का चेहरा, है ना? ये देखो, बना दिया हमने सत्ता का चेहरा। अब इसका एक चेहरा बिना मेकअप वाला, एक मेकअप वाला, एक एकदम नॉर्मल। तो जो मेकअप वाला है ना, वो स्पेशल है। तो वो जो स्पेशल है ना, वो उसी से संबंधित है आपके विशेषाधिकार। अब ये जो विशेषाधिकार है, ये कौन से चेहरे को मिले हैं? या तो राष्ट्रपति को मिलेंगे, या राज्यपाल को मिलेंगे, या क्या मिलेंगे? राज प्रमुख को मिलेंगे। या किसको मिलेंगे? राज प्रमुख को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारे सिलेबस में क्या लगा हुआ है? राज्यपाल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर? राज्यपाल। तो 361 राज्यपाल के बारे में क्या कहता है? कि देखो, ये जो आपका प्यारा सा राज्यपाल है ना, ये देखो, ये आपका जो राज्यपाल है ना, ये क्या है? एक स्पेशल व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? एक स्पेशल व्यक्ति है और एक विशेष व्यक्ति है। सॉरी, स्पेशल हटाई देते हैं, विशेष ही लिखते हैं। एक विशेष व्यक्ति है ना। अब इस विशेष व्यक्ति के, विशेष क्यों है ये? देखो, विशेष इसलिए है कि ये अपनी कुर्सी पे बैठा है ना, ये अपनी कुर्सी पे बैठा है। कौन सी कुर्सी पे बैठा है? राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा है। और राज्यपाल की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को अपने पद से रिलेटेड बहुत सारी शक्ति है, और उस शक्ति का जब ये उपयोग करेगा और कुछ काम करेगा, क्या करेगा? कुछ काम करेगा। तो उन कामों को आप कहाँ नहीं ले जा सकते? कोर्ट में नहीं प्रूव ले जा सकते। कहाँ नहीं ले जा सकते? कोर्ट नहीं ले जा सकते। बस आपको इतना सा बात ध्यान रखना है कि देखो भाई, एक आपका राज्यपाल है और राज्यपाल अपने पद पर बैठा है और अपने पद पर बैठे हुए शक्तियों का उपयोग कर रहा है और कुछ काम कर रहा है। जब वो अपने पद पर बैठकर अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो आप उसको न्यायालय के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होगा। आप उसको कोर्ट नहीं ले जाओगे। आप उसे कोर्ट में ले जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने ये गलत क्यों कर दिया, तुमने वो गलत क्यों कर दिया। देखो, ये सही भी है। आपको पता है, जब आपके कंधों पर बहुत सारे लोगों का प्यार और भार होता है ना काम करने का, तो एक आधी गलती हो सकती है, प्रेशर फील होता है। तो वही यहाँ पे उसका प्रेशर को क्या किया जा रहा है? रिलीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिलीज। जैसे मैं आपको कुछ गलती हो जाने पे सॉरी बोलती हूँ ना, वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे कंधों पर भी आपके प्यार मान सम्मान का बहुत भार है।
तो मैं सोचती हूँ अगर मुझसे छोटी भी गलती हो रही है तो मैं आपके प्रेशर, आपके दिए हुए प्यार के प्रेशर को क्या कर पा रही हूँ, रिलीज कर पा रही हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक वैसे ही जब आप कहते हो कि मैडम कोई बात नहीं, इतने प्रेशर में एक आधी गलती होती भी है, तो वो आपका भी बड़प्पन है और मेरा भी बड़प्पन है। बिल्कुल वैसी ही वैसी काम कहाँ किया गया है, राज्यपाल के साथ किया गया है। तो पहली चीज़ ये याद रखनी है कि अपने पद पर बैठकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले राज्यपाल को इस बात के लिए नहीं, न्यायालय में किसी भी उसके काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। आप उसको कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि बताओ तुमने कल छुट्टी क्यों ली, बताओ कल तुमने रसगुल्ला खाया क्यों हमारे किचन में से, आप उसको ये सब बातें नहीं कह सकते। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कीवर्ड पॉलिसी के तहत अगर आपको स्टेटमेंट में बना के दे, अगर आपको स्टेटमेंट में ये लिख के दे कि राज्यपाल, ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि राज्यपाल अपने पद की शक्ति का उपयोग करते समय न्यायालय में जवाबदेही होगा, न्यायालय में जवाबदेही होगा, जवाबदेही होगा, ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? अब खुद सोच के बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसको न्यायालय में क्या नहीं होना है, जवाबदेही नहीं है, ये देखो उत्तरदायी नहीं है। तो 361 समझ में आया, आगे बढ़ू। अब आते हैं 361 सबसेक्शन 2 पर। सी 361 सबसेक्शन 2 क्या बात कहता है? अब उससे पहले हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे से रिवाइज करते रहेंगे। अब देखो पहले हमने पढ़ा 361, उसका कीवर्ड बनाया हमने विशेष अधिकार। ये विशेष अधिकार हमने किसको दिए, टाइप करते रहो ताकि आपको याद होता रहे। विशेष, अब बताया था सत्ता के बहुत सारे चेहरे हैं, और जो सत्ता के विशेष चेहरे हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कौन से हैं? राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, और कौन है आपका, राष्ट्र प्रमुख है। कौन है? राज प्रमुख है। इन सब लोगों को ये विशेषाधिकार है। अब 361 सबसेक्शन फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? राज्यपाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राज्यपाल की। और आपको कीवर्ड पॉलिसी के तहत दो ही चीज़ें याद रखनी है कि जब वो अपने पद पर बैठकर अपनी शक्ति का क्या कर रहा है, उपयोग, और जब वो अपने पद पर बैठकर अपने क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तब इन दोनों चीज़ों से संबंधित कोई बात को आप, कोई भी बात को आप कहाँ नहीं ले जाओगे, कहाँ नहीं ले जाओगे आप, कोर्ट नहीं ले जाओगे। देखो न्यायालय लिखने में मेरे से थोड़ी गलती हो जाती है, तो ये इतनी सी अंग्रेजी आप मेरी बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? बाकी कोई नहीं, मैं हिंदी लिख दूंगी। तो वहाँ न्यायालय और न्यायाधीश लिखने में मुझे बहुत आलस आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये न्यायालय खत्म होगा भी या नहीं होगा, ये न्यायाधीश खत्म होगा भी नहीं होगा, तो प्लीज़ इतनी सी माफ़ी दे देना, ठीक है? और मेरे को थोड़ा लिखने में भी मुश्किल आता है, तो मैं कोट लिख दे रही हूँ आपको। तो जो ये बात अभी हम पढ़ के आए हैं, यही आपके कीवर्ड रहने हैं, इसी से आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। अब देखो 361 सबसेक्शन 2 पे आते हैं। 361 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 361 सबसेक्शन 2 कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ किसी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। अब देखो राज्यपाल पद विशेष है, इसकी अपनी एक गरिमा है, तो आप उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही तब तक नहीं रह सकते जब तक वो क्या है, अपनी पोस्ट पर बैठा है। ऐसा समझो कि राज्यपाल ने बॉर्नविटा पी रखा है, और बॉर्नविटा पीकर वो पावरफुल हो गया है। अब आप उसके खिलाफ, बॉर्नविटा पीने के बाद उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब कीवर्ड के तहत कैसे याद रखोगे? सीधा लिखना 361 सबसेक्शन 2, वो ये कहता है कि आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते। कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकते? आपराधिक कार्रवाई आप नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो क्या है, पद पर है। अब मेरी बात गौर से सुनना, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ये सुनकर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। मैं पहले भी कहती थी, मैं आज भी कह रही हूँ, और मुझे जब जब पढ़ाने का मौका मिलेगा मैं तब तक कहूँगी। क्या कहूँगी मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि जब भी पढ़ते वक्त आपके कान सुने, आपकी आंखें देखें, आपका दिमाग सोचे और आपका हाथ लिखे, इससे अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती। और यही जो लर्निंग है वो आपको सफलता दिलाती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पढ़ाते वक्त मैं आपका ध्यान ना भटकने दूँ, यानी कि आपके दिमाग को सोचने दूँ,
आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पर रहे, दूसरा आपके कान मेरी बात पर गौर फरमाएं, और पांचवा आपके हाथ लगातार वो चीज़ लिखते रहें जो मैं आपको समझा रही हूँ। भले ही मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस स्क्रीन के माध्यम से, जैसे आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही फील हो कि ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ है और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ठीक बात, तो 361 तो सब सेक्शन फर्स्ट में याद करोगे कि ये जो हमारे राज्यपाल जी हैं, ये जो हमारे राज्यपाल जी हैं, इन राज्यपाल जी के पास पद है, और इस पद पर बैठकर ये अगर किसी शक्ति का उपयोग करते हैं या ये काम करते हैं, उसको लेकर कोई बात कहाँ नहीं कही जाएगी, कोर्ट में नहीं कही जाएगी। सिंपल 362 सब सेक्शन 2 में वो कहते हैं कि देखो भाई, कोई आपराधिक कार्रवाई जब तक ये पद पर है तब तक नहीं की जा सकती। ये देखो इतना बड़ा क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब याद करते हैं 361 सब सेक्शन 3। उससे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिख कर दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं लिख के दूँ कि राष्ट्रपति का, बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा, राष्ट्रपति को पद से संबंधित विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में दिए गए हैं। ये कथन सही है या गलत है, आप अभी मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर भी बता दूंगी। दूसरा स्टेटमेंट, केवल राष्ट्रपति को पद से संबंधित केवल राष्ट्रपति को पद से संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त है। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल, राजप्रमुख को विशेषाधिकार 361 के तहत संरक्षण है। अब आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। एक स्टेटमेंट वो है कि राष्ट्रपति को पद से संबंधित विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 361। अब देखो, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, एग्जामिनर ऐसे गेम खेलेगा आपके साथ, श्योर खेलता है वो, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम में इतना प्रेशर में होते हो कि उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ लगने लग जाती है सही होते हुए भी, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन से तो भाई भयंकर डर लगता है। और यही कुछ जगह हैं जहाँ पे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए कई बार क्या हो जाता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट मोटिवेट कोई शब्द नहीं होता, जिसको चाहिए ना नौकरी वो लगेगा, तैयारी करेगा, बार बार पढ़ेगा, कंटिन्यू क्लास टाइम से देखेगा, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंटिन्यू देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, और अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो पाया तो मैं वो सब कॉपियाँ देखनी चाहूँगी। मतलब वो सोच के भी इतना उत्साह से भर जाती हूँ कि वो उस दौरान सब लोग इतना प्यार से बैठ के वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, लिख रहे होंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा मौका मिला तो वो भी कॉपीज भी देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रपति को पद से संबंधित विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, इसने सिंपल एक लाइन उठा ली, बाकी राज्यपाल और राजप्रमुख नहीं लिखा, फिर भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ देखो, ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, केवल केवल राष्ट्रपति को नहीं है, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और राजप्रमुख शब्द भी क्या है, पीछे टंगे हुए हैं। तो केवल राष्ट्रपति को पद से संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त है, फॉल्स। अब राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख को विशेषाधिकार 368 के तहत संरक्षण है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो कंफ्यूजन, ये तीन तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बन सकते, और ये तीनों तरीके के स्टेटमेंट में आपको फंसना नहीं है, आपको रोज़ रिवाइज करना है, और मैं आपको रोज़ रिवाइज कराऊंगी। भले ही मैं मंत्री परिषद तक पहुंच जाऊं, भले ही मैं आयोग तक पहुंच जाऊं, भले ही मैं पब्लिक पॉलिसी में पहुंच जाऊं, पर पहली क्लास से लेके प्रेजेंट क्लास तक का सारा चीज़ आपको ऐसे टिप्स पे रहना चाहिए। ठीक है, तब तो तैयारी का मज़ा है, वरना फिर
कोई मजा नहीं है। अब चलते हैं अपन 361 सबसेक्शन 3 पर। ये क्या कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर रहते समय उसकी गिरफ्तारी या कारावास का कोई न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। अब समय आ गया हम अपने कीवर्ड को बना लेते हैं। तो देखो 361 सबसेक्शन 3 ये कह, इसके सामने सीधे दो शब्द लिखो, गिरफ्तारी नहीं। क्या नहीं करवानी आपको उसकी? गिरफ्तारी नहीं करानी, मतलब उसको क्या नहीं पहनानी? हथकड़ियां नहीं पहनानी, ना तो उसकी गिरफ्तारी करानी है। ये देखो आपके राज्यपाल, इसके दोनों हाथों में ना तो आपको हथकड़ी पहनानी है और ना ही इनको किसमें बंद करना है, जेल में बंद करना है। दोनों ही काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है? ना तो गिरफ्तारी करानी है, ना ही क्या कराना है उसको, कारावास। कारावास अगर ना याद हो तो जेल भी नहीं होगी। ऐसा कोई भी कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता है जब तक राज्यपाल पद पर है, तब तक ना तो उसके गिरफ्तारी के आदेश हो सकते हैं और ना ही उसके क्या हो सकते हैं, जेल के आदेश हो सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है तीनों स्टेटमेंट में? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूँ? हाँ, अब आगे चलने से पहले फिर से आपसे पीछे वाला पूछा जाएगा। अब अगर आपको कह दे कि 361 सब सेक्शन फर्स्ट क्या है तो टाइप करें कीवर्ड। अगर आपको कह दे 361 सब सेक्शन 2 क्या है तब भी आपको कीवर्ड टाइप करना है। और अगर आपको कह दे 361 सब सेक्शन 3 क्या है तो देखो 361 1 क्या कहता है। 361 1 कहता है कि ये आपके पास राज्यपाल है पद पर, और पद पर बैठे अगर ये कोई अपनी शक्ति का उपयोग करे, अपनी शक्ति का क्या करे, उपयोग करे, और ये अपने पद पर बैठकर अपना कोई काम करे, तो इन दोनों के लिए आप इसको कहाँ नहीं घसीटोगे? कोर्ट में नहीं ले जा सकते। पहली बात बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, ये 362 में कहता है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई, देखो आपराधिक कार्रवाई आप नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो क्या है, पद पर है। 361(3) में वो क्या कहता है, बहुत सिंपल काम, दो बात कहता है कि ना तो आप उसके कौन से आदेश जारी कर सकते हो, गिरफ्तारी के, और ना ही उसको क्या कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। किस में डाल सकते हो? कारावास। कारावास शब्द है, किस में डाल सकते हो? ना तो कारावास में और ना ही गिरफ्तारी में। अब देखो लॉजिक लगाओ, जिस आदमी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती ना, उसके खिलाफ ना ही गिरफ्तारी के आदेश होंगे, ना ही उसमें जेल में डाला जाएगा। अगर आपराधिक कार्रवाई होती है तभी गिरफ्तारी होगी, तभी कारावास होगा। इसलिए ऑटोमेटिक देखो, जब ऑटोमेटिक आप 2 में लिखते हो कि आप अपराधी नहीं, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, तो 3 में पता है आपको अपने आप कि ना तो उसको क्या होंगे, वारंट जारी होंगे गिरफ्तारी के, और ना ही उसके क्या जारी होंगे, कारावास के आदेश जारी होंगे, दोनों ही नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। अब चलते हैं 361 सबसेक्शन 4। 361 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये बहुत ईजी चीज़ है, ये सिंपल सी एक बात कहता है कि जब वो पद पर ग्रहण करेगा, जब वो राज्यपाल पोस्ट पर बैठ जाएगा, और जब वो राज्यपाल पोस्ट पर बैठ जाएगा तो पद ग्रहण करने से पहले या बाद में उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, यही शब्द इम्पॉर्टेंट है, यही शब्द। यहाँ तो उसके पद से संबंधित कार्यों को लेकर बात हो रही है, लेकिन अगर उसके कुछ व्यक्तिगत काम ऐसे हैं जिनको लेकर, व्यक्तिगत काम के संबंध में कौन सी कार्रवाई, सिविल, सिविल कार्रवाई, अगर व्यक्तिगत काम से लेकर कोई सिविल कार्रवाई है तो वो हो सकती है, लेकिन लेकिन 2 माह पहले आपको उसे क्या देनी होगी, पूर्व में सूचना देनी होगी। तो हम फिर से अपना कीवर्ड बनाएंगे, और हम अपना कीवर्ड क्या बनाएंगे कि 361 सब सेक्शन 4 लिखो, फिर लिखो व्यक्तिगत काम। क्या लिखोगे? व्यक्तिगत काम, और जो व्यक्तिगत काम होंगे उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, सिविल कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई? सिविल कार्रवाई। और सिविल कार्रवाई के लिए पहले आपको उसे क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी, और कितने महीने पहले देनी पड़ेगी? 2 महीने पहले देनी पड़ेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन गौर से सुनना, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्यपाल को व्यक्तिगत और पद के कार्यों दोनों से विशेषाधिकार प्राप्त है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू होगा? या फिर वो आपसे ऐसे कहे कि राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों में सिविल कार्रवाई का अधिकार है, परंतु इसके लिए उसे क्या देनी होगी, 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि उसको व्यक्तिगत कार्रवाई में सिविल कार्रवाई आप कर सकते हो, लेकिन आपको 2 महीने पहले क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाऊँ? हाँ, तो देखो विशेषाधिकार खत्म हो गए। विशेषाधिकार में सारा का सारा जितना भी आर्टिकल था वो क्या हो गया, पूरा हो गया।
अब अपन चलते हैं कि राजस्थान के राज्य विधानसभा द्वारा, अब अपन आ जाते हैं स्टेट पर कि जो राजस्थान की विधानसभा सभा है ना, उसने पारित करके कौन कौन से अतिरिक्त जिम्मेदारी हमारे राज्यपाल के कंधों पर डाल दी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है, क्या लिखेंगे, राजस्थान का राज्यपाल। इतनी देर तक तो हम बेसिक बेसिक कर रहे थे, हम अपन अपने राज्यपाल को कहाँ ले आए हैं, राजस्थान। मतलब आज हम राजस्थान के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी पढ़ेंगे, कल हम राज्यपाल का पर्सनल इन्फो, कब तक रहा, कौन कार्यवाही रहा, कौन अतिरिक्त प्रभार का रहा, ये सारे पंगे को काट देंगे। अब देखो, राजस्थान का राज्यपाल, जो राजस्थान के राज्यपाल है ना, उसने पहले ये पकड़ो कि वो कहाँ कहाँ अध्यक्ष पद पर है, कौन से पद पर है, अध्यक्ष पद पर है, क्योंकि ये कई बार भूल जाते हैं और एग्जामिनर है ना, आपको वही मारता है जहाँ आप क्या करते हो, भूलते हो। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले किसको याद कर लो, सैनिकों को, पहले सैनिक को याद करो। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल होगा राजस्थान का। तो इसीलिए देखो, उधर अपनी कीवर्ड पॉलिसी बनाओ और लिखो राजस्थान का राज्यपाल अध्यक्ष, सबसे पहला चीज़ क्या याद रख लो, सैनिक। सैनिक के बाद क्या याद रखो, पूर्व सैनिक, कौन से सैनिक, पूर्व सैनिक। और पूर्व सैनिकों के हित के लिए जो एक समेकित निधि है, कौन सी निधि है, समेकित निधि, उसका भी क्या है, वो अध्यक्ष है। तो दो जगह अध्यक्ष ऑटोमेटिक याद हुए, दो ही शब्द, एक ही शब्द याद रखना है। एक शब्द कौन सा याद रखना है, जो एक शब्द आपको याद रखना है वो कौन सा है, सैनिक है, इसीलिए वो राज्य सैनिक बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, पूर्व सैनिक याद रखना है, पूर्व सैनिकों के हितों के लिए जो समेकित निधि है उसका भी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, राजस्थान के राज्यपाल को बनाया गया है। तो देखो, राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के क्या है, अध्यक्ष है। फिर कहाँ पर अध्यक्ष है, तो देखो बहुत सिंपल याद है, आप पश्चिम में आ जाना, पश्चिम की संस्कृति में आ जाना, कहाँ आ जाना, पश्चिमी संस्कृति में। और जैसे ही आप पश्चिमी संस्कृति पे जाओगे, वहाँ पे आपको दरवाजे पे कौन मिलेगा, वहाँ पे आपको दरवाजे पे वहाँ का अध्यक्ष मिलेगा, जो कौन होगा, राजस्थान का राज्यपाल होगा। तीन जगह अध्यक्ष याद हुए आपको, पहली कौन सी जगह है, जो आपकी पहली जगह है वो है सैनिक बोर्ड, दूसरी जगह है सैनिकों के लिए जो हित लाभ है, पूर्व सैनिकों के लिए जो हित लाभ है उसकी समेकित निधि है वो है। तीसरी जगह कौन सी है, जो तीसरी जगह है वो है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ पे वो अध्यक्ष है। और चौथी जगह जो है वो याद रखना, स्टेट ब्रांच है, स्टेट शाखा है, कौन सी शाखा है, स्टेट शाखा है, किसकी स्टेट शाखा है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, किसकी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की। तो ये चार जगह अध्यक्ष है, तो चारों अध्यक्ष वाली जगह याद, सैनिक, पूर्व सैनिक, पश्चिमी संस्कृति और स्टेट ब्रांच रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। अब एक ही जगह ये क्या है, संरक्षक है, और ये संरक्षक कहाँ है, स्काउट और गाइड राजस्थान में। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूँ। हाँ, अब आपको अलग अलग क्या याद रखने हैं, सुधार जो आयोग है जो राज्यपाल से संबंधित है, जो बहुत तकलीफ दे हैं वो याद करने हैं। अब उससे पहले आप मुझे रिवाइज करके बताओगे कि आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत आप राज्यपाल के खिलाफ क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हो। तो आप मुझे ये लिख के बताएंगे कि वो कौन सा है, फिर आप मुझे लिख के बताएंगे कि गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और कारावास, ये भी आप उसको नहीं दे सकते हो, ये कौन सा अनुच्छेद है। फिर आप मुझे लिख के बताओगे कि अगर उसके व्यक्तिगत कार्य को लेकर, अगर उसके व्यक्तिगत कार्य को लेकर आप सिविल प्रोसीडिंग शुरू करते हो, सिविल कार्रवाई शुरू करते हो, तो पहले कितने महीने सूचना देनी होगी, क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी, और ये आर्टिकल कौन सा है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपको क्या करने हैं, टाइप करने हैं, ताकि आपको क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ ये सारे चीज़ समझ में आई, बता दूँ। अब देखो, 361 सब सेक्शन 2 है, ये है 361 सब सेक्शन 3, और ये है 361 सब सेक्शन 4। और यहाँ कितने महीने याद रखने हैं आपको, 2 महीने पहले, इतनी मोहलत आपको देनी है।
फिर आप टाइप करके बताओ वो कहाँ कहाँ अध्यक्ष है और वो कहाँ कहाँ संरक्षक है, ठीक है। फिर चलो, राज्यपाल पद के सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशें। अब पहला आयोग जो पढ़ेंगे वो होगा प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। अब बहुत गौर से इसको देखो, 1966 को, बहुत आसान है। देखो, 9 के पहाड़े में आता है ना, 3 के पहाड़े में 9 और 6 दोनों आते हैं। तो अब आपको टाइप करना होगा कि 1966 में आपका कौन सा सुधार आयोग है। तो 1966 में आपका कौन सा सुधार आयोग है? प्रशासनिक सुधार आयोग है। तो अब मुझे बार बार टाइप करके बताइए कि 1966 में आपका कौन सा आयोग है। तो कौन सा आयोग है आपका? प्रशासनिक सुधार आयोग है। अब ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कहता, ये दो ही बात कहता है और अपनी बात खत्म करता है। ये कहता है एक व्यक्ति, जैसे है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राज्य एक एक राज्य एक राज्यपाल श्रेष्ठ है। ये साफ डायलॉग बाजी करके जा रहा है। ये कह रहा है कि देखो, ये दो या दो से अधिक वाला पंगा ना करो आप, एक राज्यपाल एक राज्य बेस्ट है, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल क्या करे, आप बनाए। तो एक व्यक्ति एक बार, वन टाइम, ठीक है। जैसे OTR है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक बार क्या बनाओ राज्यपाल, है ना। फिर वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि जो राज्यपाल की बुद्धि है ना, खुद की, उस बुद्धि का इस्तेमाल वो किसके निर्देश पे करे? राष्ट्रपति के निर्देश पर करे। दूसरी बात वो ये बोल रहा है। अब इसको आप आम भाषा में कैसे याद रखेंगे? जैसे आप लोगों के पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी बुद्धि है, पर हमेशा हम इस बुद्धि का इस्तेमाल किसके निर्देशों पे करते हैं? मम्मी पापा के निर्देशों पे करते हैं ना। तो ठीक वैसे ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है ना, उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन राज्यपाल के माँ बाप कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के निर्देशों पर ही वो अपने क्या करे, स्वविवेक, खुद की बुद्धि का क्या करे, उपयोग करे। और अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहला आप मुझे बताएंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग का ईयर कौन सा है। प्रशासनिक सुधार आयोग का ईयर है 1966। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति एक ही बार, बस फिर खत्म करो, छोड़ो। फिर दूसरा आप मुझे ये भी बताएंगे कि राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार ही वो क्या करेगा, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। तो स्वविवेक का इस्तेमाल किसके निर्देशों पर? राष्ट्रपति के निर्देशों पर। ये दो ही बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में याद रखनी है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहली, ये कब बनता है? 1966 में बनता है। दूसरी आपको ये याद रखनी है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था एक व्यक्ति एक बार ही राज्यपाल, और फिर क्या कहा था कि स्वविवेक का इस्तेमाल किसके निर्देशों पर? राष्ट्रपति के निर्देशों पर। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की ये दोनों रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, पर ये दोनों ही आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब अगला जो याद करेंगे वो राजा मन्नार कमेटी होगी, लेकिन राजा मन्नार कमेटी से पहले आप मुझे बताएंगे 1966 में कौन सी कमेटी बनी थी पहली? तो कौन सी बनी थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सी बनती है? प्रशासनिक। और इसने कौन सी दो बातें बोली थी? इसने दो बातें बोली थी। पहली, एक नंबर, वो एक नंबर क्या थी? एक राज्य एक बार राज्यपाल, सिर्फ एक टाइम, वन टाइम के लिए बनाओ उसको, ज़्यादा टाइम के लिए उसको मत बनाओ। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि राज्यपाल के पास जो खुद की बुद्धि है ना, उसका इस्तेमाल उसको किसके निर्देशों पर करना है? किसके निर्देश पर? राष्ट्रपति के निर्देश पर। ये दो बातें किसने बोली? पहले 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने बोली। फिर देखो, राजा मन्नार कमेटी वो कब आ रही है? 1970 में। अब आपका अपने आप सिक्वेंस सेट हुआ। 66 में पहली आएगी, इसके ठीक 4 साल बाद 1970 में दूसरी कमेटी आएगी। ये क्या कहती है? ये बहुत सिंपल सी बात कहती है कि आप राज्य सरकार से सलाह कर कर ही किसकी नियुक्ति करें? राज्यपाल की। तो अब आपको याद रखना होगा कि आपका 1970 में कौन आ रहा है? राजा मन्नार। मन्नार की खाड़ी कहाँ है बताओ? तमिलनाडु में ना, तो आपका मन्नार कहाँ से आएगा? तमिलनाडु से आएगा। तो राजा मन्नार, तो राजा मन्नार कमेटी ने सिर्फ एक बात बोली, उसने कहा कि ये राज्यपाल की नियुक्ति में, ये राज्यपाल की नियुक्ति में आप किसकी सलाह ले लो? राज्य सरकार की, क्योंकि अल्टीमेटली उसको झेलना किसको है? जिसको झेलना है उसी से क्या लो, सलाह लो, क्योंकि राज्य सरकार ही उसको झेलेगी। तो आप किससे सलाह ले लो? राज्य सरकार से सलाह ले लो। तो ये याद हुआ। आगे चलो, अगला अगला है सरकारी आयोग, जो बहुत परेशान करता है। अब क्या करोगे? टेबल बनाओगे ऐसे, यहाँ पे लिखोगे 1966 और इसके नीचे सिर्फ एक लिख दोगे, प्रशासनिक सुधार आयोग।
इसकी पहली बात लिख दोगे कि एक राज्य एक बार राज्यपाल, बस इतना सा बात। फिर दूसरे में लिख देना, दूसरे के अंदर आपको क्या लिखना होगा कि ये लिखना होगा कि जो भी उसकी खुद का बुद्धि है, खुद की जो उसकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल वो किसके निर्देशों पे करेगा, राष्ट्रपति के निर्देश पर। तो अब आपका कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, क्योंकि इससे दो इन दो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है। 1960 में, 1970 कमेटी का नाम याद रखना है, कहाँ से लाना है आपको, तमिलनाडु से, मन्नार की खाड़ी से। तो कौन है राज मन्नार? ये एक सिंपल सी बात कहते हैं कि राज्यपाल कहाँ ले जाना है, राज्य सरकार में। तो अच्छा यही होगा कि राज्य सरकार से क्या ले लें आप, सलाह लेकर ही किसकी नियुक्ति करनी है आपको, राज्यपाल की। अब उठा के ले आओ किसको, सरकारी आयोग को। सरकारी आयोग का टाइम भी सबसे कम 30 का टाइम याद रखना है, वो सीक्वेंस सेट करा सकते हैं। तो सरकारी आयोग का टाइम कितना है, 1983। अब गैप्स भी याद रखो, 66 से 70, 70 से 1983। अब 1983 में वो क्या कह रहे हैं, वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि नियुक्ति में किसकी सलाह लेनी है आपको, मुख्यमंत्री की। अब यही डिफरेंस है राजा मन्नार में और सरकारिया में, और यही डिफरेंस क्वेश्चन उठाता है। देखो, राजा मन्नार में वो कह रहा है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंदर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद शामिल है, जबकि 1983 के सरकारी आयोग में वो सिर्फ एक बात कह रहा है कि राज्य सरकार से नहीं, आपको राज्यपाल की नियुक्ति में किससे बातचीत करनी है, सीधी की सीधी मुख्यमंत्री से। ये बड़ा डिफरेंस है जिसपे आप उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में, चाहे राजस्थान का हो या राजस्थान के बाहर का हो, क्वेश्चन बना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कहता है कि ये जो 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष के लिए ही उसको, कंप्लीट 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति करो, फिर उसको पदमुक्ति करो, उससे पहले उसको ट्रांसफर मत करो। तो ये साफ कहता है कि कितने समय के लिए लाओ, 5 वर्ष के लिए लाओ। 5 वर्ष से पहले ना तो उसका ट्रांसफर करो, 5 वर्ष उसको एक जगह पर क्या करने दो, बैठे रहने दो। तो ये तीनों कमिटीज़ आपको याद हुई, समझ आई, और ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस आपको 1970 और 1983 के बारे में याद रखना है। अब देखो लास्ट, पुंछी आयोग, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आरएस मेंस 2018 का भी क्वेश्चन था ये, उसमें लिखा था कि पुंछी आयोग की क्या लिखें, सिफारिशें लिखें। और अभी जेईएन का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 18 जून 2022 में, तब भी उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल से क्या पूछा, पुंछी आयोग को पूछा था। तो जो पुंछी आयोग 2007 है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो फिर से आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए कहती हूँ कि जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल सेंटर का कर रहे हैं, चाहे वो सिविल स्टेट का कर रहे हैं, और चाहे वो राजस्थान का करे या किसी भी अदर स्टेट का करे, उनको ये चीज़ें क्या करेगी, फ़ायदा देगी। अब देखते हैं पुंछी आयोग ने क्या बोला। देखो, पुंछी आयोग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शब्द हैं, तो आप मेन बात भूल जाओगे ना, तो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको उठाओ। देखो, यही एकमात्र व्यक्ति है जो क्या कहता है कि हटाने के लिए क्या लाओ, महाभियोग। तो बाहर निकाल लो, पहले लिखो पुंछी आयोग, फिर लिखो 2007, और फिर पहली पहली बात लिख दो महाभियोग। निकाल लिया महाभियोग, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि राज्यपाल को हटाने के लिए कौन से प्रोसेस को अपनाया जाए, महाभियोग को। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, ये रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। फिर इसने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करी, सेम वही सरकारी आयोग की आधी बात कही। सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि 5 वर्ष के लिए फिक्स करो, 5 वर्ष तक कोई ट्रांसफर मत करो, ये सिर्फ आधी बात कहता है। वो क्या कहता है, क्यों फिक्स देखी है ना, क्यों फिक्स लगा देना इसकी सीट पे, और इसको कार्यकाल फिक्स कर दो, कितने साल तक, 5 साल तक। तो इस पूरे लाइन से यही चीज़ क्या बन सकती है, आपका क्वेश्चन बन सकती है। तो राज्यपाल को हटाने के लिए ला लाओ महाभियोग, कार्यकाल कितना निश्चित करो, 5 वर्ष। और ये सरकारी आयोग से अलग क्यों है, क्योंकि उसने कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स भी कराया, और ये भी कहा है कि आपको ट्रांसफर नहीं करना। फिर देखो, नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से विचार करो, ये दोनों पॉइंट किस में कॉमन है, सरकारी और पुंछी में, तो वो भी लिख लो कि नियुक्ति में सलाह किससे लेनी है, सीएम से। ये आज तक सबको बहुत टफ लगती है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता मन से इनके, बस एक एक शब्द निकालो ये आसान हो जाएगी। तो पहला महाभियोग, पुंछी जी कहते हैं, दूसरा क्यूफिक्स लगा दो सीट पर और 5 साल के लिए बिठा दो,
फिर कहता है नियुक्ति किससे करा लो, सीएम से। ठीक वैसे ही जैसे कौन कहते हैं सरकारी आयोग ने। चौथी बड़ी गलत बात कर दी इन्होंने, जो कि संविधान बनाने वालों को पसंद नहीं आई, तो उन लोगों ने इसको थोड़ा विरोध भी जताया। इन्होंने कहा कि राज्यपाल के संविधान में ये जो शब्द है ना कि जो राष्ट्रपति को पसंद हो वही बात करनी है, इसको हटा दो। राष्ट्रपति के प्रशांत प्रेम को क्या कर दो, हटा दो। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिपोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति के प्रशांत प्रेम शब्द को हटा दो। तो राष्ट्रपति के प्रशांत प्रेम शब्द को हटाने की सिफारिश भी किसने की थी, पुंछी आयोग ने की थी। क्लियर? तो पहला महाभियोग की सिफारिश, दूसरा कार्यकाल फिक्स करो 5 साल के लिए, नियुक्ति में सीएम की सलाह लो, और ये जो शब्द है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंत, इसको संविधान से क्या कर दो, हटा दो। अब आप सोचो संविधान बनता इतनी मुश्किल से है, फिर बड़े सारे प्रोसीजर को फॉलो करके संविधान संशोधन करके ये हटाए तो राज्यपाल को और इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो पुंछी आयोग की सिफारिश है वो अच्छी है पर व्यवहारिक तौर पर अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर देखो इसने ये बात कही कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, जो वो चांसलर बनता है, वो नहीं नियुक्त किया जाए। तो पांचवा पॉइंट आप क्या लिखोगे, पांचवा पॉइंट याद लिखोगे कि उसको नहीं बनाना, आपको क्या नहीं बनाना, कुलाधिपति नहीं बनाना। सीधा पहले नहीं लिखोगे कि यही भूलोगे, कुलाधिपति नहीं बनाना। किसका नहीं बनाना, राज्य विश्वविद्यालयों का नहीं बनाना। ठीक है, फिर लास्ट बात वो क्या कहते हैं, फिर लास्ट में एकदम अजीब सी बात कह देते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 2002 के वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों को लागू करें। अरे भाई तुमसे पूछा गया है तो फिर तुम वेंकट चलैया को क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अपनी बात बताओ ना। लेकिन फिर भी इतनी सारी बातें कहने के बाद भी पुंछी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी कही भी बात को सरकार मानेगी, तो उन्होंने लास्ट में क्या करा, वेंकट चलैया की रिपोर्ट को आगे कर दिया और कहा कि अगर मेरी बातें ना पसंद आए ना तो क्या करना, 2002 के वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों को लागू कर देना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वेंकट चलैया रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है या वो कब आई है, तो वो भी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और वो कब आई है, 2002 में आई है। तो पुंछी आयोग समझ में आया, बहुत सिंपल है। ईयर कौन सा है, 2007। पहला काम कहता है कि महाभियोग लगा दो, फिर कहता है क्यू फिक्स लगा के ईयर फिक्स कर दो, कितना कार्यकाल फिक्स कर दो, 5 साल। फिर कहता है नियुक्ति किससे कराओ, सीएम से। फिर कह रहा है कि संविधान में संशोधन करो, इतने से राज्यपाल के लिए इतना बड़ा काम करो, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंत शब्द को क्या कर दो, हटा दो। यही नहीं रुकता, फिर कहता है इसको कुल राज्य विश्वविद्यालयों का क्या मत बनाओ, कुलाधिपति बनाता। अब खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार मेरी इतनी बड़ी सारी गप मान लेगी, तो लास्ट में क्या कहता है कि देखो अगर मेरी ना समझ में आए ना तो वेंकट चलैया ने जो 2002 में कहा है उसको क्या कर दो, लागू कर दो। समझ आई? तो चलो आज की क्लास पूरी हुई, और ये आपको फिर से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन दिखाया गया है, और ये हिंदी के संपूर्ण कोर्सेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी वैकेंसी ऑन बोर्ड है, आने वाली है, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। तो जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहे कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हमने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। तो अपनी तैयारी रखें और परचेज करें कोर्स को, और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम करें, अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय।